Hello, friends, welcome back to my channel Aviation Dreamer, and here is your friend Paresh. So, friend, in this video, just I wanna discuss about the Indigo latest vacancies update for ground staff. Of February 2019, हजार yes, 2019 का फेब्रवरी मंथ की इंटरव्यू की वैकेंसी लिस्ट आ गया है इंडिगो में एंड यहाँ पे बहुत ही एक्साइटेड न्यूज है आप लोगों के लिए एंड बहुत ही खुश खबर है जो भी फ्रेंड्स बहुत दिन से वेट कर रहे थे लाइक like, मुंबई में इंटरव्यू नहीं है एंड बहुत सारे ऐसे सिटीज है जहाँ पे इंटरव्यू नहीं था इन जनवरी इन दिसंबर नवंबर हम लोग अगर चेक करते हैं तो लेकिन उसके कंपैरिजन में अगर हम लोग फेब्रवरी की बात करते हैं फेब्रुवरी में इंडिगो में बहुत ज्यादा वैकेंसीज है तो यहाँ पे जो भी लोग इतना दिन से वेट कर रहे थे या बार बार इंटरव्यू में जाके फेल हो रहे थे उन लोगों के लिए काफी अच्छा टाइम है अभी आप लोग फुल एकदम प्रिपरेशन ले लीजिए उसके बाद आप लोग ये जो अभी फेब्रुवरी मंथ में इंटरव्यू है इसमें आप लोग इंटरव्यू अटेंड कर लीजिए आई थिंक कि आप लोगों को हंड्रेड परसेंट रिजल्ट मिल जाएगा आप लोगों को जॉब मिलने में बहुत ही हेल्पफुल रहेगा क्योंकि इस महीने में इंडिगो की हर एक, आ, एक सिटीज के लिए इंडिगो की हर एक सिटीज के लिए इंटरव्यू निकला है सो फ्रेंड्स इन दिस वीडियो जस्ट आई डिस्कस अबाउट द इंटरव्यू वेन्यू इंटरव्यू डेट इंटरव्यू टिप्स एंड ऑल्सो अबाउट द ग्राउंड स्टाफ सैलरी इन इंडिगो एयरलाइंस ठीक है तो आप लोग प्लीज ये वीडियो एंड तक देखते रहिए

एंड उसके बाद यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि ये ईस्ट जोन की जो वैकेंसीज है जैसे कि रायपुर में वैकेंसीज है मैं कुछ इंफॉर्मेशन यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है वो आप लोगों को बता देता हूँ और जो सिटीज है वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूं तो रायपुर में इंटरव्यू है ट्वेंटी थर्ड जैन पे ठीक है जनवरी पे एंड यहाँ पे ये देखिए ये एड्रेस है एंड उसके बाद सिक्योरिटी पोजीशन के लिए गुवाहाटी में इंटरव्यू है तो तीन डेट है टोटल तो तो एक तीस जैन है एक पंद्रह जैन है एंड एक ट्वेंटी सिक्स है तो यहाँ पे आप लोग हर एक जो पोस्ट है यहाँ पे इंटरव्यू की डिटेल्स ये डिटेल्स थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पे कोई एक डेट मेंशन है या दो डेट तीन डेट मेंशन है तो जितने भी डेट्स यहाँ पे मेंशन है उतने तारीख को ही वहाँ पे उतने सारे इंटरव्यूज होगा एंड उसी डेट में ठीक है एंड uh, जो इंटरव्यू की वेन्यू होगा जो इंटरव्यू की लोकेशन होगा वो सेम रहेगा इसलिए मैं दोबारा वो नहीं लिखा वो एक ही uh, लाइन के अंदर मैंने चिपका दिया एक ही लाइन के अंदर मैंने लिख दिया तो आप लोग थोड़ा सा समझ जाना ठीक है एंड उसके बाद गुवाहाटी के बाद बागडोगरा पे इंटरव्यू है उसके बाद डिब्रूगढ़ में इंटरव्यू है डिब्रूगढ़ में ज्यादा नहीं आता इंटरव्यू लेकिन इस बार में है एंड देखिए बागडोगरा में भी तीन चार इंटरव्यूज है इकतीस तारीख को बारह तारीख को इक्कीस तारीख को पच्चीस तारीख को ठीक है तो आप लोग ध्यान से देखिएगा एंड पे डिब्रूगढ़ में इंटरव्यू है पटना पे इंटरव्यू है पटना पे दो इंटरव्यू है एक चार फेबर एक अठारह फेबर है ठीक है और कोलकाता में कोलकाता में एक ही इंटरव्यू अभी तक पब्लिश हुआ है लेकिन अभी और भी डेट्स आने वाले हैं फेबर की क्योंकि अभी तक फेब्रवरी की बहुत देर है लेकिन ये पहले पब्लिश हो गया है ठीक है और जो भी डेट बाद में आएगा वो मैं इस आर्टिकल के नीचे में मैं पोस्ट कर दूंगा टेंशन वाली कोई बात नहीं है ठीक है एंड नेक्स्ट अगरतला में इंटरव्यू है उसके बाद है यहाँ पे इम्फाल में इंटरव्यू है तो आप लोग ध्यान में देखिए, ये जो सारे इंटरव्यूज है अगरतला इम्फल पटना ये सारे इंटरव्यूज इतना नहीं आता ये सारे सिटीज में तो ये सिटीज में अभी इंटरव्यू आ रहे मतलब बहुत अच्छा न्यूज है आप लोगों के लिए आप लोग जैसे कि दूसरे कोई स्टेट में इंटरव्यू देने जा रहे थे लेकिन अभी नहीं जाने की कोई दरकार नहीं है आप आपके स्टेट में ही आप इंटरव्यू दे सकते हो एंड यहाँ पे देखिए इंडिगो की वेस्ट जोन की इंटरव्यू यहाँ पे है तो यहाँ पे है मुंबई के लिए लेकिन मुंबई के लिए यहाँ पे कुछ रिक्वायरमेंट है जैसे कि ट्वेंटी नाइन्थ जैन को जो इंटरव्यू होगा वहां पे बोल रहे हैं कि नॉन एक्सपीरियंस वाले जाए तो अच्छा है ठीक है ट्वेंटी नाइन्थ जैन पे इंटरव्यू में एक्सपीरियंस वाले लोग जाना ही अच्छा होगा एंड जो थर्टी जैन पे इंटरव्यू है वहां पे फ्रेशर लोग इंटरव्यू देने के लिए जा सकते हैं ठीक है थीके? तो ये आप लोग ध्यान में रखिएगा एंड मुंबई की ये एड्रेस है इंटरव्यू की उसके बाद सूरत में इंटरव्यू है ये भी बहुत अच्छा है अहमदाबाद में इंटरव्यू है इंडिगो के लिए ग्राउंड स्टाफ की इंटरव्यू है ठीक है तो आप लोग प्लीज ये सारे इंफॉर्मेशन सही सही से चेक करके उसके बाद इंटरव्यू में जाना है उसके बाद नॉर्थ जोन पे इंटरव्यू है इंडिया इंडिया की नॉर्थ जोन पे जो इंटरव्यू है जयपुर में है ट्वेंटी थर्ड जैन को उसके बाद है दिल्ली पे दिल्ली पे ट्वेंटी नाइन्थ जैन को इंटरव्यू है उसके बाद है वाराणसी पे इंटरव्यू है उसके बाद हैदराबाद ये हो गए साउथ जोन पे अभी साउथ जोन पे हैदराबाद है में इंटरव्यू है चेन्नई पे इंटरव्यू है उसके बाद में इंटरव्यू है बेंगलोर पे इंटरव्यू है उसके बाद कोचिन में इंटरव्यू है तो प्लीज आप लोगों को मैं बताऊंगा ये ये जो कोचिन में इंटरव्यू हो रहा है कोचिन में जो इंटरव्यू है वो बेंगलोर हैदराबाद एंड चेन्नई की लोकेशन के लिए इंटरव्यू हो रहा है आप लोग कोचिंग जो कोचिंग में जो लोग रहते हो, वो लोग इंटरव्यू दे रहे हो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका पोस्टिंग कोचिंग में ही होगा आपका पोस्टिंग होगा या बैंगलोर एयरपोर्ट में या हैदराबाद एयरपोर्ट में नहीं तो चेन्नई एयरपोर्ट में तो आप लोगों को उसी हिसाब से प्रिपरेशन लेके फिर इंटरव्यू देने के लिए जाना है ठीक है तो ये था आप लोगों का टोटल वॉक इन इंटरव्यूज की वेन्यूज डेट वगैरह एंड कौन से कौन से सिटीज में आप लोगों का इंटरव्यू हो रहा है वो सारे डिटेल्स में मैंने बता दिया तो आप लोग जब भी ये चीज चेक करना है कि कौन से सिटीज के लिए इंटरव्यू हो रहा है उसका डेट क्या है उसका टाइम क्या है सारे इंफॉर्मेशन सही से सह आप लोगों को चेक करना है और यहाँ पे आप लोग चेक कर सकते हो हर एक इंटरव्यूज के पास में यहाँ पे रिज्यूमिंग कलेक्शन टाइम लिखा हुआ होते तो वो टाइम बहुत वाइटल होते देखिए जैसे कि नाइन थर्टी टू इलेवन थर्टी इज द रिज्यूमिंग कलेक्शन टाइम बट इंटरव्यू स्टार्ट होगा 10 ए एम से सेवन पी तक तो आप लोगों को जो 9:30 थर्टी स्टार्टिंग टाइम में आप लोगों को बिल्कुल इससे पहले पहुंचना चाहिए मैं तो आप लोगों को बताता हूं कि आप लोग अगर इंटरव्यू में जाना चाहते हो तो एट टेन के अंदर आप लोगों को वहां पे पहुंचना चाहिए सॉरी नाइन ओ या नाइन टेन के अंदर आप लोगों को इंटरव्यू वेन्यू पे पहुंचना चाहिए यह काफी अच्छा चीज होता है क्योंकि वहां पे कुछ रजिस्ट्रेशन वगैरह होता है जिसमें आप लोगों का नाम साइन वगैरह होता है तो आप लोग पहुंच जाना जल्दी से ताकि आप लोगों का जो रजिस्ट्रेशन हो आपके नाम वो आ, जो सीक्वेंस नंबर है वो कम आए ठीक है तो जितना कम आता है उतना चांसेस ज्यादा होता है ठीक है फ्रेंड्स पे आप लोग चेक कर सकते हो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है इंडिगो एयरलाइंस के ग्राउंड स्टाफ के लिए तो यहाँ पे आप लोग पढ़ लेना ये सारे डिटेल्स में ठीक है ये आप लोगों का बहुत काम की चीज है क्योंकि इंटरव्यू में जाने से पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मीन कौन से कौन से क्वालिटीज वो लोग चेक करते हैं वो सारे चीज आप लोगों को जानना बहुत जरूरी है तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट क्वेरीज है जो इंपॉर्टेंट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो मैं आप लोगों को बता देता हूं जैसे कि इंडिगो एयरलाइंस में विदाउट ग्रेजुएशन आप लोग नहीं जा सकते आपके पास ग्रेजुएशन की एट लीस्ट आपके पास रिजल्ट रहना चाहिए ऐसा नहीं है कि आप थर्ड ईयर में कर रहे हो तो आप चले जाओ इंटरव्यू देने के लिए इंडिको ये अलाउ नहीं करता है ठीक है एंड उसके बाद यहाँ पे आप लोग चेक कर सकते हो कि आपके कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा होना चाहिए कस्टमर सर्विस क्वालिफिक क्वालिफिकेशन इट मींस दैट आपके पास क्वालिटीज होना चाहिए एंड एबल टू वॉक अंडर प्रेशर ओपन टू वॉक इन रोटेशनल शिप ये सारे क्वालिटीज आपके पास होना चाहिए एंड आपके पास अगर एयरपोर्ट की कोई एक्सपीरियंस है जैसे कि एयरपोर्ट की रिटेल में आपने जॉब किए थे कोई ग्राउंड हैंडलिंग पे आपने जॉब किए थे तो आपके सिलेक्शन की चांसेस बहुत ज्यादा हो जाता है ठीक है एंड नेक्स्ट है यहाँ पे इंडिगो बोल रहे कि यहाँ पे अभी लोकल कैंडिडेट हायर कर रहे तो ऐसा कोई बात नहीं है आप लोग इंटरव्यू देने के लिए जा सकते हो ठीक है क्योंकि हर एक सिटीज में अलग अलग, अलग इंटरव्यूज है तो आपके सिटीज में जो इंटरव्यू हो रहा है उसमें जाना ही आपके लिए बेटर होगा एंड नेक्स्ट यहाँ पे आपके बॉडी में कोई विजिबल टैटूज मार्क्स या बॉडी आर्ट नहीं होना चाहिए जैसे कि हम लोग जानते जानते हैं कि इंडिगो uh, एयरलाइंस में हफ्सलेट होता है तो जितना आप लोगों का विजुअल पोर्शन होता है वहां पे कोई टैटूज नहीं होना चाहिए एंड जो आप अप्लाई कर रहे हो उसका एज 18 इयर्स टू 27 इयर्स होना चाहिए इसका अंदर होना चाहिए अगर इससे ज्यादा है जैसे कि जो कोई जॉब कर रहे ऑलरेडी तो उनके एज थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है जैसे कि 28, 29 तक वो अटेंड कर सकता है ये इंटरव्यू लेकिन उसके पास एक्सपीरियंस रहना चाहिए जितना ओवरेज है उतना ठीक है एंड नेक्स्ट यहाँ पे इंटरव्यूड कैंडिडेट सिक्स मंथ पहले इंटरव्यू नहीं जा सकते ओके थ्री मंथ कर दिया ये इंडिगो अभी तो आप अगर पहले कभी इंटरव्यू दिए थे एंड उसमें आपने फर्स्ट राउंड में या सेकंड राउंड में सिलेक्ट हो गए थे बट आप उसके बाद जाके रिजेक्ट हो गए थे तो आपको थ्री मंथ एटलीस्ट वेट करना है और अगर आपने इंटरव्यू अटेंड किए थे लेकिन फर्स्ट राउंड से ही रिजेक्ट हो गए थे तो कोई बात नहीं है आप फिर से इंटरव्यू अटेंड कर सकते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है ठीक है तो ये था एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड एंड यहाँ पे मैंने बोला था कि आप लोगों को सैलरी के लिए मैं बताऊंगा तो यहाँ पे आ, इंडिगो की जो ग्राउंड सैलरी है वो मैं आप लोगों को बताता हूँ लेकिन एक्जैक्टली मैं नहीं बता पाऊंगा क्योंकि ये कंपनी की रूल्स रेगुलेशन की बाहर होते आ, कहीं पे हम लोग ऐसा मतलब डिस्कस नहीं कर सकते कंपनी की सैलरी के बारे में इवन इंडिगो तो बहुत ही मतलब आ, उन लोगों का सैलरी डिस्क्लोज करने ही नहीं देते किसी को तो जस्ट मैं आप लोगों को टचिंग में बताऊंगा कि आपकी सैलरी कितना हो सकता है ठीक है ये सैलरी ग्राउंड जो भी है सिक्योरिटी या आप लोग सोच सकते हो कि कमर्शियल या सोच सकते हो कि रैम की तो इन लोगों का सैलरी नियर अबाउट 18 टू 30 तक हो सकता है आपके पास जितना एक्सपीरियंस रहेगा उतना ज्यादा आपकी सैलरी होगा ठीक है और यहाँ पे डिपेंड करते सैलरी की कौन सी स्टेट में या कौन सी सिटी में आप जॉब कर रहे हो उसी हिसाब से भी वहां पे सैलरी की कुछ स्ट्रक्चर चेंज होता है तो वो आप लोग चेक कर लेना इसका ऊपर नीचे कुछ हो सकता है लेकिन मैं अप्रोक्सीमेटली आप लोगों को मैं बताया ठीक है सो फ्रेंड्स आई थिंक कि ये वीडियो आप लोगों को बहुत ही अच्छा रहेगा बहुत ही हेल्पफुल रहेगा एंड रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू कि प्लीज आप लोग ये इंटरव्यू अटेंड करने की ट्राई करो जितना हो सके आप लोग इंटरव्यू के अटेंड कीजिए एंड उसके बाद अगर कुछ भी प्रॉब्लम आप लोग फेस किया तो प्लीज मुझे कमेंट में मुझे फेसबुक की मैसेज uh, में मुझे मेरे फेसबुक पेज की मैसेज में मुझे मैसेज करके इन्फॉर्म कीजिए कि सर ये प्रॉब्लम हो रहा है देन uh, कि मैं वो फीडबैक मिलने के बाद उसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा फिर आपका जो क्वेरीज uh, था जो प्रॉब्लम था वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा So friends if you think this video is helpful for you don't forget to share this videos to all of your friends who want to join in aviation industry so thank you very much have a nice day bye bye take care